नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम रिले की सहायता से बाइक में ड्यूअल हॉर्न लगाने जा रहे हैं। तो लगाने से पहले एक बार अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें वायरिंग होगी, किस तरह से क्या रहेगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो अपना रिले है इसमें चार टर्मिनल होते हैं। तो इसमें तीन तीन टर्मिनल तो एक सीध में रहते हैं, जैसे ये वाला है, ये है और ये है, जैसे 30, 85 और 86। ये एक सीध में रहते हैं और एक रहता है जस्ट साइड में, टर्मिनल है। तो इसमें क्या रहता है कि जो 30 नंबर वाला जो टर्मिनल है, ये अपना आता है सीधा बैटरी के पॉजिटिव में। इसको डायरेक्ट अपन बैटरी के पॉजिटिव में दे देते हैं। और तो ये वाला जो अपना 87 नंबर के टर्मिनल से जो गया वायर, ये सीधा हॉर्न के एक टर्मिनल पे लग के और दूसरे हॉर्न के दूसरे टर्मिनल नंबर वन पे लग गया। तो दोनों टर्मिनल नंबर वन दोनों हॉर्न के इससे 87 वाले उससे कनेक्ट हो गए, और जो दूसरे टर्मिनल नंबर टू है हॉर्न के, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और ग्राउंड पे कनेक्ट हो गए, जो कि मैं बाद में आपको बता दूंगा। अब बचे हैं अपने 85 और 86 नंबर के टर्मिनल, जो कि अपने जो बाइक का जो हॉर्न का स्विच है ये उस पे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी उससे आए रहते हैं, एक एक हॉर्न पे लगे रहते हैं। तो उससे अपने को इस पर अटैच करना है, दोनों पे कुछ भी नहीं करना, उस हॉर्न से हटाना है, सीधे इस पे और इस पे अपने को अटैच करना है। तो ये हो गई अपनी वायरिंग डायग्राम। तो इस डायग्राम की सहायता से अब अपन प्रैक्टिकली बाइक में हॉर्न इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें देखो, ये जो हॉर्न लगा है इसमें दो वायर लगी हुई है, इन दोनों को निकाल लेते हैं अपन। ये दोनों वायर अपन ने निकाल लिए, ये दोनों वायर निकाल दी। रिले का जो फंक्शन है वो समझ लो, रिले में चार पॉइंट है अपने, ये देखो चार पॉइंट है। इसमें ये जाएगा अपने हॉर्न में, ये जाएगा अपने हॉर्न के पॉजिटिव पे, दोनों हॉर्नों के पॉजिटिव पे। ये वाला जो है, जो अपने स्विच से आ रहा है, जो स्विच से वायर लगे हुए हैं ऑलरेडी, ये वाले जो दो वायर हैं, ये वाली दोनों पिन लग जाएगी इस पे, फोन की इन दोनों पिन पर लग जाएगी। बची एक पिन पे ये आएगा अपने बैटरी से पॉजिटिव, इस पे बैटरी से सीधा पॉजिटिव इस पे। तो अपन ने ये बाइक का हॉर्न भी खोल लिया है, अब दोनों की वायरिंग करेंगे। अब दोनों पे जो ब्लैक वायर है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर एक एक वायर दे देंगे कॉमन, ये एक तरह से अपना ग्राउंड हो जाएगा, जो कि इस पे देंगे अपन। ये वाला वायर यहाँ पे देंगे। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे अपन बॉडी से अर्थिंग देते हैं किसी भी बाइक में, देख लो बॉडी से अर्थिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी एक तरह से ग्राउंड का काम करती है। तो इसको एक बार अपन इसके नीचे से यहाँ से घिस लेंगे, क्योंकि जो कलर है इसका, इससे अर्थिंग अटैच नहीं होगी। थोड़ा सा घिस लेते हैं, ये जब तक ये लेयर रहेगी इसको ग्राउंड मानेगा नहीं, तो अपने ये लेयर ख़त्म कर दी। इन दोनों हॉर्न को अपने को एक जगह अटैच करना है, एक एक इसका जो टर्मिनल है, एक एक टर्मिनल पे ब्लैक वायर अपन अटैच। और ये जो अटैच करें तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अगर सोल्डरिंग हो जाए तो और भी बेटर है, क्योंकि इसमें अगर स्पार्किंग रहेगी तो अपना हॉर्न तकने सही तरीके से बज नहीं पाएगा। तो इसको मैं अच्छे से ट्विस्ट करके इसके ऊपर अच्छे से टैप कर देता हूँ, ताकि अपना स्पार्क नहीं करे और आराम से हॉर्न तक तरीके से बजे। तो अपन ने इस पर अच्छे से टैप कर लिया, एक साइड में दूसरे हॉर्न पे अपन ने सोल्डरिंग पहले से कर रखी थी। अब ये जो टर्मिनल बचा है, इसको ये वायर को अपन अर्थिंग के लिए इसी के इस पे टर्मिनल है, इस पे जो इसका नॉब है जिस पे कसना है उस पे दे देंगे। तो अब अपन ये रिले का, जो मैंने बताया था कि ये वाला टर्मिनल जो सीधा है वो हॉर्न के पॉजिटिव में जाएगा, ये दोनों में पैरेलल से लग जाएगा। तो अपने हॉर्न एक तरह से पूरी तरह वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, अपने रिले के चार टर्मिनल हैं,
जिनमें दो आमने सामने हैं सेम साइज, मतलब दोनों तरफ एक आमने सामने देखते हुए, ये दोनों अपने लग जाएंगे जो स्विच से आ रहे हैं दो वायर, ये वाले जो आ रहे हैं ये इनसे लग जाएंगे, और ये वाला जो वायर है ये वाला अपने बैटरी के पॉजिटिव में चलाएगा, ये वाला अपने हॉर्न के पॉजिटिव में गया, ये दोनों अपने ग्राउंड कर दिए एक एक जो इसके। तो अपन पहले एक बार हॉर्न कस लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने दोनों हॉर्न फिक्स कर लिए, और जो रिले हैं वो भी अपन ने टिका दिया है। अब अपना एक वायर बचा है केवल, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा बैटरी के पॉजिटिव पे, तो इसको अपन यहाँ पे करते हैं। तो अपनी पूरी वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, दोनों हॉर्न भी अच्छे से लग गए हैं, तो अब एक बार अपन चेक करते हैं कैसे बजते हैं हॉर्न। ये देखो, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।